मौत जब सर पे होती है, जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। सौ पुलिस वाले एक कैदी के पीछे, करप्ट पुलिस वाला फंसाएगा एक को। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। यूं तो हम ऐसा बहुत बार देखते हैं जब साउथ की फिल्मों में एक से ज्यादा आदमी टक्कर लेते हैं हीरो से और हीरो उन सबको हरा देता है, जहाँ कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है और ऐसा असल जिंदगी में नहीं हो सकता। तो हम आपको ये बता दें कि असल जिंदगी में भी होता है ऐसा बहुत बार, जब बहुत सारे बुरे लोग एक सच्चे आदमी के पीछे पड़ जाते हैं और लगता है कि यही कहानी होने वाली है भोला फिल्म की। जी हाँ, साउथ इंडियन फिल्म कैदी की रिमेक भोला में हम देखने वाले हैं एक ऐसे कैदी को जो करने वाला है सामना 100 से भी ज्यादा पुलिस वालों का। तो कहानी क्या होने वाली है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल एक ऐसा कैदी जो सालों की सजा काट कर अभी जेल से छूटता है और ऐसी रेड में फंस जाता है जहां पर 100 से भी ज्यादा पुलिस वाले एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट इसलिए आएगा क्योंकि वो सारे पुलिस वाले दरअसल कोई पुलिस वाले नहीं है, बल्कि गुंडे ही हैं जिन्होंने पुलिस वालों की वर्दी पहनी हुई है। ये किसी ड्रग डीलर को पकड़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं। ऐसे में उनका निशाना वही कैदी है और इसको वो सब रैकेट का दोषी करार कर देने वाले हैं। आपको ये बता दें कि जहां अजय देवगन के डायरेक्शन में ये फिल्म बन रही है, वहीं इस फिल्म की कहानी में काफी ज्यादा बदलाव लाए जा रहे हैं और ये कैदी कोई और नहीं बल्कि होगी हम सब की चही थी तबू, जो निभाने वाली है एक ऐसे कैदी का किरदार जो कि लेने वाली है 100 से भी ज्यादा पुलिस वालों से टक्कर। क्या वो सही में इस रैकेट की दोषी करार की जाएंगी, ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा फिल्म के रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक आप लोग जरा फिल्म के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दूं ये फिल्म काफी बड़े लेवल पर बनाई जा रही है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच काफी जोश और एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। मैं तो इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।